हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर 123। टेक्निकल सर 123 में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स है कि व्हाट इज़ द प्लानिंग ऑफ 2022। 2022 में आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ साल भी बदलते हैं, हर कुछ बदलते हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ बदलते हैं। तो आने वाले समय में या आने वाले वर्ष में आप क्या करना चाहते हैं 2022 में। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हर कोई सोचते हैं कि जो मैंने इस साल में किया, जो बीत रहा है, इसको बीतने देते, लेकिन नए साल से कुछ अच्छा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप अच्छा कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग जो है बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ हर कुछ बदलता है। कहा गया है, चेंजिंग इज द नेचर ऑफ लॉ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए समय के बदलते के समय को देखते हुए अपने आप को ही बदलना सीखिए। जिस दिन अपने आप को बदलेंगे तो आपकी नज़रिया बदलेगी, आपके हैबिट बदलेंगे, ये पूरा संसार बदलते हैं। परिवर्तन होते रहता है, इसको आप रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो हर कुछ रुक जाएगा, इसलिए परिवर्तन ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले साल में 2022 में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अच्छे प्रकार से हर कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप YouTube चैनल क्रिएट करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, YouTube चैनल बना सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, या आप YouTube चैनल में ऑलरेडी हैं लेकिन आपके चैनल में अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर नहीं आते, अच्छे ट्रैफिक नहीं आते, तो आप क्या करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि आपको देखना है कि वैसे चैनल को जिसका जो है जो चैनल ऑलरेडी मतलब बहुत ही कम है। जैसे अगर टेक चैनल बनाएंगे, इसमें भरमार है, गेमिंग चैनल कमी नहीं है, कार्टून चैनल कमी नहीं है, ऐसे टॉपिक वाले चैनल बनाइए जो यूट्यूब पर बहुत ही कम है। तो उसमें बनाने से क्या होगा, एक तो बिल्कुल अलग होंगे और सब्सक्राइबर भी अच्छे आएंगे, व्यूज भी अधिक आएंगे और ट्रैफिक भी अच्छे होंगे, क्योंकि आपका चैनल वैसे चैनल में से है जो यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत ही कम है। तो वैसे चैनल बनाइए। तो वैसे चैनल जब बनाएंगे तो आपके चैनल में क्या होगा, अधिक जो है ट्रैफिक आएंगे, अधिक व्यूज आएंगे, अधिक सब्सक्राइबर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप 2022 में अपने हैबिट को बदलिए। अगर आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने जो है सुबह लेट से सो के उठता, तो आने वाले साल में सुबह से जगेंगे, हर काम को सही ढंग से करेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे, मतलब वो सोचता है कि किस डेट से उनको क्या बदलना है। मतलब समय के साथ साथ अपने आप को बदलना सीखिए। जब बदलेंगे तो धीरे धीरे बदलते चला जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा ये कैसे बदल गया। लेकिन समय के साथ साथ आपको कोशिश कीजिए तो आप ऑलरेडी खुद बदल जाएंगे। इसलिए अगर सोशल मीडिया, जैसे हम लोग ऑनलाइन वर्क अर्निंग करते हैं, तो अगर ऑनलाइन अर्निंग करने चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यूट्यूब चैनल नहीं, आप फेसबुक पेज बना के भी अर्निंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना के भी अर्निंग कर सकते हैं, टेलीग्राम पेज बना के भी अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ये है ऑप्शंस हैं, सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, साधन हैं, जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग करने से पहले उसके जो है जो फंक्शंस हैं, जो क्राइटेरिया है, उसको जानना है कि कैसे आप वर्क करेंगे, हाउ टू वर्क फ्रॉम ऑनलाइन, जो भी सोर्सेज है उस पर, तो आपको उसको जानना होगा। बिना जाने आप उस पर सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म हो तो आपको मेहनत करना है, मेहनत इतना करना चाहिए, मेहनत इतना करना है कि आपको उस क्राइटेरिया को पार कर देना है। मतलब ऐसा मेहनत करना है कि आपको खुद उस प्लेटफॉर्म में एक अच्छा मतलब जो है आपको लक्ष्य हो, गोल प्राप्त हो, आप वैसे कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस डेली करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा गया है। अभ्यास करते रहिएगा तो आप सफलता पा सकते हैं। आपको अच्छी मेहनत करनी है और डेली मेहनत करना है, तभी जाके आप अच्छा कर सकते हैं। आपसे एक दिन वीडियो बनाए, दूसरा दिन नहीं, आज ये काम किए कल वो काम के नहीं, किसी एक काम कीजिए, किसी एक टॉपिक पर चैनल बनाइए, किसी एक प्लेटफॉर्म पर काम कीजिए, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो था, खास किस सभी से
कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए और मेहनत इतनी होनी चाहिए, लगन इतनी होनी चाहिए कि उसके जो क्राइटेरिया उसको पार कर जाना है, तभी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, आप अच्छे नेम और फेम कमा सकते हैं, नेम के साथ साथ फेम भी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि जिस भी फैक्टर पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं, ईमानदारी से काम कीजिए, आप अच्छे नेम और फेम दोनों कमा सकते हैं। फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियोज के साथ, तब तक टाटा, बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।